जस्सा पट्टी से मेरी कुश्ती हुई तो मैंने जस्सा पट्टी को 2 मिनट में गिराया। हारना तो कोई नहीं चाहता, सब जीतना ही चाहते हैं। कुछ नहीं जी, ये तो सब गॉड गिफ्ट होती है, एक भगवान की गॉड गिफ्ट होती है। मैं तो देसी खुराक लेता हूँ जी, वेज डाइट, नॉन वेज नहीं खाता मैं। फेवरेट दाव तो एक टांग लगाना ऊपर से और नीचे से घुटना धर के पलटना। कबड्डी तो बाद कुश्ती नू सब तो ज़्यादा पंजाबी प्यार करते हैं, तो इन दिनों दे विच पंजाब दे लगभग हर पिंड दे विच तुहानू छिंज मेला देखने नू मिलेगा, कुश्ती मुकाबले देखने नू मिलेंगे। पंजाब ने बहुत बड़े पहलवान पैदा किए ने, हरियाणे ने भी किए ने, पर उत्तरी भारत के जे किते नू देखते हैं तो बड़े बड़े पहलवान इत्थों पैदा होए ने। अज संधू चट्ठे दे विच कुश्ती मेला करवाया जा रहा, तो इत्थे यूपी दे मथुरा तो भी पहलवान पहुँचे ने। इस तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा ये खेड मेला इत्थे करवाया जा रहा है। उमेश पहलवान ने यूपी दे मथुरा तो उन्हें गलबात करांगे। तो आप यूपी के मथुरा से हैं, पंजाब में कुश्ती लड़ने आए हैं, कैसे देखते हैं पंजाब के माहौल को और पंजाब के पहलवानों को? बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छे दंग लगते हैं पंजाब में, और मैं भी आया हूँ यहाँ पे कुश्ती लड़ने मथुरा से। वैसे मैं हरियाणा में प्रैक्टिस करता हूँ, लीलू अखाड़ा लाडपुर हरियाणा जज्जर में प्रैक्टिस करता हूँ जी। तो यदि यूपी में देखा जाए तो वहाँ कैसे दंगल होते हैं, कौन से बड़े बड़े जो पहलवान हैं यूपी में, कैसे दंगल होते हैं? यूपी में दंगल होते हैं, पर इंडिया लेवल के छोटे छोटे दंगल होते हैं, वहाँ पे इतने बड़े दंगल नहीं होते जैसे पंजाब में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में बड़े बड़े दंगल होते हैं जी। तो हरियाणा में जैसे आपने की बताया प्रैक्टिस करते हैं, हरियाणा और पंजाब को जब देखते हैं तो बड़े पहलवान यहाँ से आते हैं, चाहे जस्सा पट्टी हो, ऐसे तमाम पहलवान हैं। तो जब पंजाब के पहलवानों से आपकी भिड़ंत होती हैं तो मुश्किल किससे लगती है, जस्सा पट्टी जानने पहलवानों से किससे ज़्यादा कठिन लगती है आपको कुश्ती करना? नहीं नहीं कोई, जैसे जस्सा पट्टी से मेरी कुश्ती हुई तो मैंने जस्सा पट्टी को 2 मिनट में गिराया। कोई नहीं, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, ये तो कुश्ती है, चलती रहती है, हार जीत तो ऐसी कोई वो नहीं। तो यदि सभी पहलवानों का एक खास दाव होता है ना कुश्ती में, कुछ शुरुआती पलों में उखाड़ते हैं दूसरे पहलवान को, तो आपका कौन सा फेवरेट दाव है? फेवरेट दाव तो एक टांग लगाना ऊपर से और नीचे से घुटना धर के पलटना फेवरेट है, और जैसे जैसे पोजीशन आती है वैसे वैसे मार देते हैं दाव, जैसा मौका मिले वैसा ही मार देते हैं, जहाँ मौका मिले वहाँ पर ही दाव मार लेते हैं। हम देखते हैं कुश्ती दंगलों में कि ज़्यादातर जो कुश्तियाँ हैं बराबरी पर छूट जाती हैं, उसके बाद में पॉइंटों पर फैसला होता है, क्या जो पहलवान हैं वो कोशिश ही नहीं करते कि फैसला शुरुआती जो समय होता है उसमें निकाला जाए? नहीं नहीं कोशिश तो सब करते हैं, ऐसी बात नहीं है कोई नहीं करता, वो सब जीतने की तो सब कोशिश करते हैं। कुश्ती बराबर हो जाती है तो कमेटी वाले अपना हार जीत का फैसला पॉइंट में ले लेते हैं फिर। तो आपको लगता है कि कुश्ती पॉइंटों पर ही होनी चाहिए जहाँ खुला टाइम दे देना चाहिए? नहीं नहीं खुला टाइम भी देते हैं शुरू में, जैसे आर पार हो जाए तो ठीक है, नहीं होती तो फिर पॉइंट पे ले लेते हैं आर पार का फैसला। एक पहलवान कैसा सोचता है, वो सोचता है कि पॉइंटों पर हो जहाँ खुला हो? मिट्टी में, हाँ। मिट्टी में तो आर पार ही बोलते हैं सब, आर पार ही होती है मिट्टी में तो, और सभी ये जी बोल सभी भाई हारना तो कोई नहीं चाहता, सब जीतना ही चाहते हैं। तो पंजाब में आपने जितने भी अभी तक दंगल किए हैं कहाँ सबसे ज़्यादा बढ़िया आपको लगा, ये बहुत बढ़िया दंगल है? पंजाब में सिरसा दंगल अच्छा दंगल था, वहाँ पे जस्सा पट्टी के साथ में कुश्ती हुई, जस्सा पट्टी को चित किया मैंने, और तो फिर बहुत सारे दंगल हैं, बहुत दंगल लड़े हैं पंजाब में, महाराष्ट्र में भी, हिमाचल में भी, और हरियाणा में भी, यूपी में भी, सारे स्टेटों में दंगल लड़े हैं जी। मिट्टी में बहुत अच्छे पहलवान पैदा किए हैं देश ने, लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं तो वहाँ हमारे ये मिट्टी के योद्धा फेल हो जाते हैं? नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैट पे भी प्रैक्टिस करते हैं, अभी तो मिट्टी में चल रही है, अभी मैट पे भी अब कंपटीशनों में लड़ेंगे।
आपको कौन सी अच्छी लगती है, मैट वाली या मिट्टी वाली? अब कुश्ती तो दोनों अच्छी हैं, अभी तो मिट्टी में दंगल चल रहे हैं, तो अब दंगलों का सीजन चल रहा है तो मिट्टी में कर रहे हैं। हाँ जी, फिर मैट पे भी करते हैं। तो आपकी लंबाई बहुत अच्छी है ना, इसका कितना फ़ायदा मिलता है? आपकी जो लंबाई है, आप लंबे हैं, इसका कितना आपको लाभ मिलता है? कुछ नहीं जी, ये तो सब गॉड गिफ्ट होती है, एक भगवान की गॉड गिफ्ट होती है, और वो माता पिता गुरु जी का आशीर्वाद है जी। एक नए युवा पहलवान बनना चाहता है, कोई छोटा बच्चा है, क्या आप उसको एडवाइस देना चाहेंगे? उसको क्या सलाह देना चाहेंगे, वो कैसा, कोई छोटा बच्चा है भाई? ये अपना नशा पत्ती से दूर रहे, और अच्छी प्रैक्टिस, मेहनत अच्छी करे, अच्छा खाना पीना, और अपने गुरुजी से जुड़ा रहे, यही कहना है मेरा। तो आप एक बहुत बार मैं पूछूंगा, क्योंकि पहलवानों की जो खुराक है वो बहुत उसका महत्व होता है, तो आप कैसी खुराक लेते हैं? मैं तो देसी खुराक लेता हूँ जी, वेज डाइट, नॉन वेज नहीं खाता मैं, बिल्कुल देसी डाइट, घी बादाम दूध ये ज़्यादा चीज, अपना फल फ्रूट मक्खन वगैरह, ये देसी अपना यही डाइट है। तो ये अमेश पहलवान ने यूपी दे मोथड़ा तो ते पंजाब विच इन्होंने जड़ियां तमाम कुश्तियां कीतियां ने, जस्सा पट्टी नू इन्होंने कई बार हराया इन्हां दे दसन मुताबक, ते हमेशा कठिन कुश्ती मानदे ने जो जस्से नाए घोलदे ने, होर तमाम दंगलों के इन्होंने जिहड़े पंजाब केसरी के जिहड़े तमाम खिताब ते होर जिहड़े वड्डे कई खिताब आ इन्होंने जित्ते ने। कैमरामैन जसविंदर सिंह मालड़ी दे नाल इंद्रजीत सिंह चाल, एनआरए मीडिया, संधु चट्ठा।